नमस्कार, मैं करण खुराना और क्रिकेट केसरी में आप सभी का स्वागत है। एशिया कप में मंगलवार को खेले गए चौथे मुकाबले में भारत ने हांगकांग को 26 रन से हरा दिया है। भारत ने टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 285 रन बनाए, जिसमें सलामी बल्लेबाज शिखर धवन ने 127 रन की शानदार पारी खेली। 286 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी हांगकांग की टीम 50 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 259 रन ही बना सकी। हालांकि एशिया कप में अपने पहले मैच में जीत हासिल करने के लिए टीम इंडिया को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। हांगकांग जैसी कमजोर टीम के खिलाफ टीम इंडिया ने 26 रनों से जीत मिली। अगर बल्लेबाजी की बात करें तो भारत की तरफ से सलामी बल्लेबाज शिखर धवन ने 127 रन की शानदार पारी खेली। उन्होंने 120 गेंदों की पारी में 15 चौके और 2 छक्के लगाए। शिखर के अलावा राइडू ने 70 गेंदों पर 3 चौके और 2 छक्के लगाए। कार्तिक ने 38 गेंदों पर 3 चौके जड़े। महेंद्र सिंह धोनी और शार्दुल ठाकुर खाता खोले बिना आउट हो गए। केदार यादव ने 27 गेंदों पर नबात 28 और भुवनेश्वर कुमार ने 18 गेंदों पर 9 रन बनाए। वहीं हांगकांग के लिए निजाकत खान और अंशुमन ने अर्धशतक मारकर शानदार शुरुआत करते हुए 150 रन से ज़्यादा रिकॉर्ड साझेदारी की। हालांकि भारतीय गेंदबाजों ने वापसी करते हुए दोनों को आउट कर दिया। कुलदीप यादव ने 174 के स्कोर पर कप्तान अंशुमन का विकेट गिराया। उसके बाद एक एक करके सारे खिलाड़ी आउट होते गए। वहीं हांगकांग के लिए सबसे ज़्यादा 3 विकेट किंची शाह को मिले। इसके अलावा एहसान खान ने 2 और एहसान नवाज एजाज को एक एक खास विकेट हासिल हुआ। धवन के आउट होने के बाद भारत लड़खड़ा गया। 3 विकेट जल्दी जल्दी खो दिए। पहले धवन, फिर धोनी और फिर कार्तिक आउट हुए। निजाकत खान और कप्तान अंशुमन रथ ने पहले विकेट के लिए रिकॉर्ड 174 रन जोड़कर हांगकांग को बेहतरीन शुरुआत दिलाई। हांगकांग की तरफ से यह वनडे में किसी भी विकेट के लिए सर्वश्रेष्ठ साझेदारी है। हांगकांग के पास बड़ा उलटफेर करने का बेहतरीन मौका था, लेकिन यहाँ पर अनुभव का ना होना उसके आड़े आ गया और आखिरकार वह 8 विकेट पर 259 रन ही बना पाया। भारत के लिए खलील अहमद और युजवेंद्र चहल ने 3-3 विकेट लिए। वहीं कुलदीप यादव ने 2 विकेट चटकाए। एशिया कप के ग्रुप ए के अपने पहले मैच में हांगकांग को पाकिस्तान के हाथों 8 विकेट से हार का सामना करना पड़ा था। दो बार की चैंपियन पाकिस्तान ने पहले गेंदबाजी करते हुए हांगकांग को 37.1 ओवर में 116 रन पर ढेर कर दिया, फिर 23.4 ओवर में 2 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। आज के लिए बस इतना ही। मैं करण खुराना, ऐसी ही बाकी तमाम खबरों को जानने के लिए आप हमारे पंजाब केसरी ऐप को प्ले स्टोर और iOS स्टोर से डाउनलोड कीजिए।